नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो भारत और फ्रांस को लेकर आ रही है। दरअसल फ्रांस की एयरफोर्स और स्पेस फोर्स की एक टुकड़ी ने प्रशांत महासागर में अपने मेगा मिलिट्री ऑपरेशन के तहत तमिलनाडु में भारतीय वायुसेना के सुलूर बेस पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठहराव किया है। दोस्तों सुलूर बेस वही है जहां पर तेजस के स्क्वाड्रंस भी तैनात की गई हैं। बता दें कि इस टुकड़ी के साथ 3 राफेल फाइटर जेट भी थे। भारतीय वायुसेना द्वारा फ्रांस की सेना को दिया गया समर्थन उस साजो सामान संबंधी सहयोग के समझौते के क्रियान्वयन को दिखाता है जिसके लिए फ्रांस और भारत ने साल 2018 में सैन्य सहयोग बढ़ाने के मकसद से हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों इस खबर को आप आसानी से मत लीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप इसको इस तरीके से देखिएगा, अगर कल को हमारा युद्ध चाइना से होता है और एक बड़े स्तर पर होता है तो किस तरीके से वायुसेना फ्रांस की भारत पहुंच सकती है। ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने यहां पर आकर ठहराव किया, अपने फाइटर जेट्स को यहां पर लेकर आए। इससे पहले भी साउथ कोरिया के भी फाइटर जेट्स कोलकाता में जो हमारा एयरबेस है वहां पर रुके और उसके बाद वे आगे बढ़ गए। और इस तरीके के सैन्य सहयोग इस बात को भी दर्शाते हैं कि किसी भी आपात स्थिति में जो आपका मददगार देश है, जो आपका साथी है, वो आपको सुरक्षा देने के लिए पहुंच सकता है। दरअसल दोस्तों फ्रांस 10 अगस्त से 18 सितंबर तक हिंद प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी का मिशन ऑपरेट कर रहा है जिसका कोड नेम है पगासे 22। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मिशन पगासे 22 है उसके फेस में फ्रांस की वायुसेना 17 अगस्त से 10 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाले ब्लैक पिच एयर एक्सरसाइज में हिस्सा लेगी। इस मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, यूके और दक्षिण कोरिया के साथ साथ भारतीय वायुसेना भी हिस्सा लेगी। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि भारत की मिसाइल साइलों को लेकर आ रही है। मिसाइल साइलों को अक्सर दोस्तों ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। अब तक आपने चाइना के बारे में तो ये सारी चीजें सुनी होगी कि वो किस तरीके से लगातार अपने मिसाइल साइलों का निर्माण कर रहा है जहां से वो आसानी से परमाणु बम्स को लॉन्च कर सकता है। ऐसे में भारत ने भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत अपनी मिसाइल साइलों को पहाड़ी इलाकों में आधारित करेगा जहां पर इनका निर्माण किया जाएगा जो कि भारत के दूसरे परमाणु हमले को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। साइलो आधारित जो ICBM होते हैं वो अपने मोबाइल समकक्षों के विपरीत यानी कि जो मोबाइल से लॉन्च किए जाने वाले ICBM होते हैं उनकी तुलना में ये पूरी तरीके से तैयार रहते हैं और कम सूचना में यानी कि इमरजेंसी में इन्हें लॉन्च किया जा सकता है। जहां मोबाइल लॉन्चर्स को लॉन्च करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ऐसे में साइलो पे जो आधारित ICBM होती है उनमें वक्त नहीं लगता। हालांकि दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि भारत अपनी पहले इस्तेमाल ना करने की नीति को ही आगे बढ़ाएगा जिसका मतलब साफ है कि भारत तब तक कोई परमाणु हमला नहीं करेगा जब तक भारत के खिलाफ कोई दूसरा देश परमाणु हमला नहीं कर देता, यानी कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन दोस्तों मिसाइल साइलों का निर्माण इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत तुरंत अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है जिसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों अगली खबर भारतीय वायुसेना से आ रही है। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी मलेशिया पहुंची है जहां भारत और मलेशिया पहले द्विपक्षीय हवाई अभ्यास करेंगे जिसका नाम है उदास शक्ति अभ्यास, जहां पर भारतीय वायुसेना के SU-30MK एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मालूम है कि हमने मलेशिया के साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डील की पेशकश की है और साथ ही एक शानदार पैकेज भी मलेशिया को ऑफर किया है जिसके तहत उनकी फ्लीट में जो रशियन SU-30 है उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी कि MRO फैसिलिटी भी मलेशिया में तैयार की जाएगी। ऐसे में जो भारतीय वायुसेना की टुकड़ी मलेशिया पहुंची है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा भी करेगी और इस बात को प्रदर्शित भी करेगी कि भारतीय SU-30MKI एक जबरदस्त क्षमता के साथ है जिसकी ओवरहॉलिंग, मेंटेनेंस सब कुछ भारत खुद देश में ही करता है। और दूसरा ऑफर जो LCA Tejas का है वो भी यहां पर पिच किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर रक्षा मंत्रालय से आ रही है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है भारतीय सेना की स्नाइपर राइफल्स के लिए जिसके तहत इन स्नाइपर राइफल्स के लिए 1211 नाइट साइट और उनके साथ जो अन्य साजो सामान होता है उसके लिए ये RFI जारी की गई है जिसे कि बाय इंडियन कैटेगरी के साथ लिया जाएगा। बता दें कि इस नाइट साइट में 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए और इनकी डिटेक्शन रेंज 1200 मीटर होनी चाहिए और 800 मीटर की रिकॉग्नाइज रेंज होनी चाहिए। इसके अलावा इनकी सर्विस लाइफ 10 सालों की होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 में ज्यादा से ज्यादा भारतीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और यह तकनीक करीबन 60% से ज्यादा होगी। बता दें कि ब्रह्मोस 2 में भारत द्वारा डिजाइन किए गए गाइडेंस सिस्टम्स होंगे जिनमें कि भारत द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर्स लगाए जाएंगे जो कि इसे एक एंटी एयर डिफेंस मैनूवर्स भी प्रदान करेगा जब ये अपने लक्ष्य यानी कि टारगेट की करीब होगी। इसके अलावा ब्रह्मोस 2 में स्वदेशी बूस्टर स्टेज के साथ कैनेस्टर सिस्टम भी होगा, खासतौर पर
इसे इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है ताकि इसे भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं, इसके अलावा जो नए ग्राउंड लॉन्चर सिस्टम्स हैं, उनमें भी इंस्टॉल किया जा सके। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि IIT कानपुर से आ रही है। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT कानपुर ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, जिसके तहत दोनों ही संस्थानों के लोग आपसी सहयोग के माध्यम से साइबर सिक्योरिटी UAV इंजन का निर्माण, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी और कंपोजिट फिक्स्ड विंग UAV का निर्माण करेंगे, जो कि मध्यम ऊंचाई वाले लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी का UAV होगा। दोस्तों, अगली खबर आ रही है F-35 विमान को लेकर। दोस्तों, लगातार भारत को पीछे करने की कोशिश की जा रही है। भारत के AMCA प्रोजेक्ट को कुछ देश साकार होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे में पहले हम खबर जान लेते हैं वो आई क्या है, फिर बताएंगे कि ये हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत का AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम है वो अपनी शुरुआत कर चुका है और AMCA के पहले प्रोटोटाइप के लिए HAL ने मेटल कटिंग यानी कि धातु की कटिंग करना भी शुरू कर दिया। ऐसे में कुछ ब्रिटिश पब्लिकेशंस और जो अमेरिकी पब्लिकेशंस हैं उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स जारी की हैं, जहां पर ये जो ब्रिटिश पब्लिकेशन है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका से F-35 विमान खरीदना चाहिए। दोस्तों, वहीं ये जो अमेरिकन मीडिया है उसने भी कुछ इसी तरीके की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत को पहले अपने तेजस फाइटर जेट को पूरा कर देना चाहिए और उसके बाद ही AMCA पर आगे बढ़ना चाहिए और तब तक के लिए F-35 खरीद लेना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया ऑफर इन्होंने भारत को दिया है। यानी कि इनका कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये F-35 को लगातार पुश कर रहे हैं ताकि भारतीय वायुसेना के लिए भारत सरकार इन फाइटर जेट्स के लिए मंजूरी दे दे और भारत का AMCA प्रोग्राम ठंडे बस्ते में चला जाए। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, ये पूरी तरीके से इसमें एक लॉबी काम कर रही है जो भारत को अमेरिकन F-35 चेपने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब ये हमारे DRDO जैसे संस्थान पर उंगलियां उठाते हैं। इन्होंने कहा कि भारत का जो DRDO है वो ओवर प्रोमिसिंग है, उनके काम हमेशा डिले रहते हैं। ऐसे में अगर AMCA प्रोग्राम भले ही अपने तय समय पर तैयार हो जाए, यानी कि DRDO अगर इसे समय से पहले बना भी लेता है या अपनी टाइमलाइन में पूरा कर लेता है AMCA को, तो इसकी कीमतें भी ज्यादा होंगी और इसे आने में भी लंबा वक्त लगेगा। यही नहीं, ये जो लॉबी मीडिया है वो ये भी कह रही है कि भारत AMCA पूरी तरीके से अगर डेवलप कर लेगा तब भी भारत में जो डिफेंस इंडस्ट्री बेस है वो तैयार नहीं हो पाएगा AMCA को बड़ी संख्या में बनाने के लिए। दोस्तों, अगर हमें F-35 खरीदना ही होता तो हम पागलों की तरह पैसा और दिमाग और समय ना गवा रहे होते, ना बहा रहे होते AMCA प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि जब भारत ने देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी का साथ नहीं देता है, चाहे दो देशों का युद्ध क्यों ना हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप यूक्रेन और रशिया का उदाहरण ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ज्यादा निर्भरता अगर हम इन अमेरिकियों पे करेंगे तो आने वाले समय में ये फटका लगा देंगे और ऐसा फटका लगाएंगे कि भारत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, तो समझौते वाली बात ना आए, इसीलिए भारत AMCA प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में स्थिति और परिस्थिति दोनों ही भारत के हाथ में होगी और इसीलिए ये जो फॉरेन मीडिया है, ये लॉबी मीडिया है, वो चिढ़ रही है कि भारत के AMCA प्रोग्राम को किसी भी तरीके से रोका जा सके, उसे और धक्का दिया जा सके ताकि इसको लंबा वक्त लग जाए बनने में और साथ ही तब तक F-35 जैसे फाइटर जेट्स बिकते चले जाएं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहां पर साफ है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि इन्होंने DRDO पर दोस्तों सवाल उठाए हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से आ रही है। दरअसल पंजाब से सटी सरहद पर पाकिस्तान 6 ड्रोन ऑपरेटिंग सेंटर चला रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से लगातार ड्रोन अटैक हो रहे हैं भारत में, ऐसे में इस बात का पता लगाया जाना मुश्किल हो गया था कि ये ड्रोन्स आ कहां से रहे हैं। लेकिन अब इस बात का खुलासा हो गया कि ये जो पाकिस्तानी हैं इन्होंने 6 ड्रोन ऑपरेटिंग सेंटर खोल रखे हैं सीमा के आसपास में, जहां से ये लगातार इन ड्रोन्स को हथियारों और ड्रग्स के साथ भेज रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये पाकिस्तानी चीन और तुर्की के आधुनिक ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो पाकिस्तानी दुर्बुद्धि के लोग हैं वो आतंकवादियों को इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के पास बैराकटा TB2 ड्रोन भी देखा गया है, जो कि 700 किलो वजन उठाने की क्षमता रखता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध में भी किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि पाकिस्तान ने चीन से आधुनिक ड्रोन CH-4 UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल भी हासिल कर लिया है। ये बेहद घातक लड़ाकू ड्रोन माने जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास UCAV बराक किस्म के ड्रोन है, जो कि टोह लेने के काम आते हैं। ऐसे में अब IB और BSF की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भी सौंप दिया है। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चीन से नए तरीके के आर्म ड्रोन खरीदकर पाकिस्तान LOC पर भारी संख्या में इन्हें तैनात करने में जुटा है और इस जानकारी के बाद और इस रिपोर्ट के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा चौकन्नी हो गई हैं। दोस्तों, अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है।
इतना सब कर्ज कुर्ज होने के बाद भी, भीख भूख मांगने के बाद भी, जब खैरात नहीं मिल रही है, लेकिन हौसले तो देखो इन पाकिस्तानियों के कितने बुलंद है कि भीख मांगने में भी इन्हें शर्म नहीं आती है, हाथ फैलाने में इन्हें गुरेज नहीं होता है। इतने बुरे हालात के बावजूद भी अब पाकिस्तानी सरकार सेना के लिए विमान खरीदने जा रही है। हालांकि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नए के बजाय सेकेंड हैंड होंगे। दरअसल पाकिस्तान के पास पहले ही 16 अमेरिकी C-130 प्लेन है, लेकिन वो अब और अधिक विमान खरीदने के लिए बाजार में उतर चुका है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने राहत पैकेज के लिए सऊदी अरब और यूएई से गुहार लगाई थी। पाकिस्तान बेल्जियम से 7 और C-130 विमान खरीद रहा है। कहा जा रहा है कि C-130H विमान ने बेल्जियम के हवाई क्षेत्र में 2 घंटे की परीक्षण उड़ान भरी थी। जल्द ही ये जो 7 विमान है वो बेल्जियम से पाकिस्तान की ओर उड़ान भरते देखे जा सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये डील करीबन 500 से 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई है। ऐसी भी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान स्पेन से भी 3 और C-130H विमान खरीदना चाहता है और इस डील के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। और इसी तरीके की खबरें कनाडा और अमेरिका को लेकर भी हैं, जिनसे पाकिस्तान और अधिक C-130 विमान खरीद सकता है। विमानों की यह खरीद ऐसे समय पर हो रही है जब पाकिस्तान अगला श्रीलंका बनने की कगार पर है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि साउथ कोरिया से आ रही है। दोस्तों अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थाट के तैनाती को लेकर दक्षिण कोरिया ने चीन को 2 टूक जवाब दे दिया है। दक्षिण कोरियाई सरकार ने कहा कि अमेरिका के थाट मिसाइल सिस्टम की तैनाती का मुद्दा बातचीत का विषय नहीं है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि चीन ने दक्षिण कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो थाट मिसाइल सिस्टम के अतिरिक्त बैटरी को तैनात ना करे, इसके अलावा पहले से मौजूद सिस्टम के उपयोग को भी सीमित करे। चीन ने यह भी दावा किया है कि दक्षिण कोरिया के जो मून जे थे उनका जो प्रशासन था वो इस बात के लिए सहमत भी था, जिसके बाद दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल के कार्यकाल में चीन की इन मांगों को खारिज कर दिया गया है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त के अंत तक मिसाइल डिफेंस बेस को पूरी तरीके से ऑपरेशनल किया जाएगा। साउथ कोरिया ने कहा कि थार्ड एक आत्मरक्षात्मक रक्षा उपकरण है जिसका उद्देश्य उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों से लोगों के जीवन की सुरक्षा की रक्षा करना है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की तरफ से कहा जा रहा है कि यह उनकी सुरक्षा और संप्रभुता का भी मामला है। बता दें कि दक्षिण कोरिया ने थार्ड मिसाइल सिस्टम की पहली यूनिट को बीजिंग के कड़े विरोध के बावजूद 2017 में दक्षिणी शहर सोंगगुंज में तैनात किया था। दोस्तों अगली खबर बलूचिस्तान से आ रही है। भारतीय सेना ने एक डोजियर जारी किया जिसमें बलूच लोगों के खिलाफ पाकिस्तान के अत्याचारों का भंडाफोड़ किया गया। डोजियर में कहा गया है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के ग्वादर और अन्य तटीय क्षेत्रों को चीनी गढ़ में तब्दील कर रहा है। दरअसल चीन की योजना है कि वो ग्वादर बंदरगाह पर लगभग 5 लाख चीनी नागरिकों को बसाए और इस डोजियर में पाकिस्तान के सारे अत्याचारों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इस डोजियर के मुताबिक पाकिस्तान और चीन दोनों दोस्त मिलकर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने 2017 में ग्वादर बंदरगाह को चीन समर्थित एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को 40 सालों की लीज पर सौंप दिया था। डोजियर के अनुसार चीन ने पोर्ट टाउन के निर्माण और 300 मेगावाट के कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को खोलने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए। 23 करोड़ डॉलर की लागत से एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत अन्य परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, भारतीय सेना के इस डोजियर में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और इस क्षेत्र में लोगों के रहस्यमय तरीके से लापता होने का जिक्र किया गया है। अगली खबर दोस्तों इसरो से आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 अगस्त 2022 को जो नया रॉकेट यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV को लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया और दोनों सैटेलाइट्स को गोलाकार कक्षा में डालने के बजाय वो अंडाकार कक्षा में चले गए थे। अब इस सिलसिले में इसरो के प्रमुख एस सोमनाथन जी ने इसकी वजह बताई है। एस सोमनाथन जी ने कहा कि रॉकेट एक्सेलेरोमीटर में 2 सेकंड के लिए कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिसकी वजह से रॉकेट ने दोनों सैटेलाइट्स US-2 और आजादी सेट को 356 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा के बजाय 356x76 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में डाल दिया था। अब ये सैटेलाइट्स किसी काम के नहीं बचे हैं क्योंकि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये गड़बड़ी एक सेंसर के फेल होने की वजह से हुई, जिससे रॉकेट की दिशा और गति अंतिम समय में बदल गई। दोस्तों SSLV 3 स्टेज का रॉकेट है, पूरी तरह से सॉलिड प्रोपेलेंट पर चलता है। इसरो के चीफ ने आगे बताया कि हम सभी वैज्ञानिक कई तरीके की असफलताओं के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी मिशन की सफलता और असफलता को एक साथ एक बराबर देखा जाता है। एक्सेलेरोमीटर और उसके सेंसर्स रॉकेट की गति पर नजर रखते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं। हालांकि ये दो सेकंड की गलती थी, उसकी वजह से मिशन फेल हो गया। तो दोस्तों ये तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता नई जानकारी के साथ, चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।